Hi guys, this is Jay and you are watching my YouTube channel Jay Singh Blog. And today I'm planning to go to White Church, which is located in Helsinki, and also I will go to Eira Beach. And I have just started, and now I will take a metro till Helsinki, and from Helsinki to White Church I will walk, because that is a walkable distance. And from White Church I will directly go to Eira Beach. So guys, I'm gonna walk till from Helsinki to White Church, and from White Church to Eira. And so this blog is going to be little long, so I'm going to create two part of it. One is White Church and another is your Eira Beach. So let's go and watch some good scenery. सो गाइज, मेट्रो स्टेशन आ गया है. अब मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गया हूँ, और अभी मुझे यहाँ से दो फ्लोर नीचे जाना होगा, और उसके बाद मुझे M1 एंड M2 करके जो मेट्रोज का नाम है वो मुझे मिल जाएंगी, और उससे पकड़ के मैं जाऊँगा हेलसिंकी सिटी सेंटर. वहाँ मैं उतरूंगा, एंड उसके बाद मैं वहां से वॉक करते हुए जाऊंगा. तो मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद आपसे मिलूंगा. तब तक के सो दोस्तों, मैं अभी आ गया हूं, हेलसिंकी सिटी सेंटर से बाहर निकल गया हूं, और अब मैं वॉक करके जाऊंगा आपके वाइट चर्च के पास. सो वाइट चर्च के बारे में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. तो वाइट चर्च बेसिकली क्या है हेलसिंकी में, उसे आपको हेलसिंकी कैथेड्रल भी कहते हैं. एंड उसको जो बनाया गया था वो 1930 से 1951 या 52 तक बना लिया गया था, ख़त्म कर लिया गया था उसे, उसका कंस्ट्रक्शन फिनिश कर लिया गया था. और ये बेसिकली डेडिकेटेड किया गया था निकोलस द फर्स्ट को, रसिया के कोई इम्परर थे, उनको डेडिकेटेड किया गया था. और 1917 तक इसे बेसिकली सर निकोलस चर्च भी कहा जाता था, बट 1917 के बाद जब फिनलैंड आपका इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद इसे वाइट चर्च कहने लग गए, हेलसिंकी कैथेड्रल कहने लग गए. तो ये जो बिल्डिंग है ये वाइट कलर की है और काफ़ी बड़ी है, और बेसिकली हेलसिंकी सिटी सेंटर में है, और इसे काफ़ी पसंद किया जाता है. तो चलिए अब हम चलते हैं और उसे देखते हैं. मीनवाइल हमें थोड़ी देर तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी सिग्नल नहीं हुआ है. तो गाइज,
स्पेस है आपके लिए वाइट चर्च हेलसिंकी। क्या है ना, कैमरा देखते देखते मैं कार नहीं देख पा रहा हूँ, तो अभी एक बंदी ने कार अपनी रोक दी और वेट कर रही थी कि मैं कब जाऊँगा, और मैं अपनी बातों अपनी धुन में ही लगा हुआ था। तो ये सब भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। खैर देखिए दोस्तों, ये है हेलसिंकी का वाइट चर्च। वैसे बेसिकली बहुत बिजी चर्च है, आपको कई सारे लोग दिख जाएंगे बैठे हुए आराम करते हुए। तो पता नहीं यहाँ पे कैमरे को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, बट लेट्स सी, मैं करता हूँ, देखते हैं जो भी होगा। तो ये है आपका वाइट चर्च, होप आप लोग देख पा रहे हैं। और सीढ़ियों में कई सारे लोग बैठे हुए हैं और ये देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आगे से जाके इस पर थोड़ा सा देखेंगे, ये थोड़ा सा बीच से दिखाई देगा, बीच से सही दिखाई देगा इसका। तो दोस्तों, ये मेरे जो YouTube चैनल के का जो आर्ट होता है उसमें भी इसी की फ़ोटो लगी हुई है। ये मुझे काफ़ी पसंद है, जिस साइज की मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं, बट जो भी है अच्छा है। तो गाइज़ यहाँ पे लोग आते हैं अपना शाम को बैठने घूमने, जो यंग पीपल हैं वो आते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। तो बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके अपने बच्चों और घर वालों के साथ भी बैठ सकते हैं। वैसे बच्चे और घर वालों जैसा लग नहीं रहा है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन आप आ सकते हैं क्योंकि मैं आया हुआ हूँ एक फैमिली के साथ, तो आ सकते हैं। और दोस्तों इसी जगह पे बेसिकली कई सारे सारे प्रोग्राम भी होते हैं। आई गेस इनका इंडिपेंडेंस डे जो होता है उसका भी यहीं पे होता है, और जो न्यू ईयर होता है उसका भी यहीं पे सेलिब्रेशन होता है। पिछली बार भी यहीं हुआ था, मैं आया था। हो सकता है अगर इस बार भी हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। इस बार तो सब कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये कोरोना की वजह से। तो बेसिकली अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कितना चमक रहा है ये वाइट चर्च मेरे बैकग्राउंड से। सो यहाँ पे अभी कई सारे लाइक अगर आपको कुछ खाना वाना हो या कुछ करना हो तो यहाँ पे विंटर समर में ये लोग कुछ मतलब शॉप्स भी वगैरह भी ओपन करते हैं। तो आप लोग आके यहाँ पे अगर आप सुबह आए हुए हैं तो कुछ पानी और कुछ हल्का फुल्का खा भी सकते हैं। आसपास में कुछ रेस्टोरेंट भी हैं जो जिसमें भी जाया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे जब भी आएँ तो इंक्वायर कर सकते हैं कि कौन सा किस रेस्टोरेंट में जाना है। इसके जस्ट सामने कुछ रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो जब कभी भी आप आएँ तो शाम को भी आ सकते हैं और मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, और यहाँ पे बैठ के जो सुबह की धूप है और जो शाम की धूप है उसका इंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली लोग यहाँ पे धूप इंजॉय करते हैं क्योंकि पूरे विंटर तक तो धूप होती नहीं है, पूरा दिन काला और ब्लैक रहता है। तो लोग फिर ऐसी जगहें सर्च करते हैं जहाँ पे अच्छा भी लगता हो और धूप भी आती हो। तो ये एक वैसा ही एक प्लेस है जहाँ पे धूप भी डायरेक्ट आती है और अच्छी जगह भी है, और बैठ के बातें भी की जा सकती हैं और
टाइम पास भी किया सकता है, और इसी से लगा हुआ सिटी सेंट्रल है, तो आपको कुछ अगर लेना हो तो आप कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने करके आप वहाँ भी जा सकते हैं और अपना कुछ सामान भी लेके अपने घर निकल सकते हैं, क्योंकि सिटी सेंट्रल से ही पूरी ट्रेन मेट्रो निकला करती है। तो शायद चर्च के अंदर भी जा सकते हैं जब आएँ तो, शायद इसका एक टाइमिंग होता है चर्च का, तो अभी वो मुझे अभी शायद वो टाइमिंग नहीं है, तो अभी फ़िलहाल मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जब अंदर कभी गया तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा कि अंदर से कैसा दिखता है, अगर वो वीडियो अलाउ करते हैं तो। सो दोस्तों, तब तक के लिए हम ये इस वीडियो का ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करते हैं वाइट चर्च का। और गाइज, होप आप लोगों को ये पसंद आए। अभी मैं नया नया ब्लॉगर हूँ, तो अभी शायद इतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं होगा मेरे हाथों में, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। So please like, share and comment, and let me know what you think about this blog.